गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पाइला के अध्ययन की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पाइला, पाइला का प्रजनन तंत्र। पाइला या एप्पल स्नेल एकलिंगी जंतु होता है। नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल्स में बहुत ज़्यादा बाह्य संरचना की दृष्टि से अंतर नहीं होता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से मेल एनिमल्स जो होते हैं वो फीमेल्स की तुलना में थोड़े छोटे साइज के होते हैं। और इसके साथ साथ मेल एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, जिसे पेनिस कहा जाता है, ये ज़्यादा डेवलप्ड होता है और एक्सटर्नली विजिबल होता है। पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र। यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फॉर्मेशन जिन ऑर्गन से होती है उनमें टेस्टिस, वास डेफरेंस तथा कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस शामिल होते हैं। पाइला में पाए जाने वाले वृषण की संख्या एक ही होती है। सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट होता है, फ्लैट होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है और तिकोनी आकृति का दिखाई देता है। यह संरचना जो होती है वो शेल के पहले, दूसरे और तीसरे रोल के बीच में उपस्थित होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड के पास में यह संरचना जो है वो आसानी से देखने को मिलती है। टेस्टिस और शेल के बीच में एक पतली सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि टेस्टिस को शेल से अलग करती है। टेस्टिस का कार्य अगर हम देखें तो यहाँ पर जो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं इनके द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा स्पर्म्स का निर्माण होता है। बनने वाले स्पर्म्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यूपायरिन तथा ओलिगोपायरिन। इनकी संरचना के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के साथ जुड़ने वाला दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है उसे वासा डेफरेंस के नाम से जाना जाता है। वास डेफरेंस का निर्माण जो होता है वो बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स, वासा इफरेंशिया जो टेस्टिस से निकलती हैं, फाइन डक्ट्स होती हैं, वो परस्पर मिल करके एक कॉमन ट्यूब बनाती हैं जिसे वास डेफरेंस कहा जाता है। यह वास डेफरेंस यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है ये मॉर्फोलॉजिकली संरचना की दृष्टि से तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला हिस्सा जो होता है उसे प्रॉक्सिमल पार्ट या समीपस्थ भाग कहा जाता है। दूसरा भाग यहाँ पर जो होता है मध्य भाग होता है, और मिडिल पार्ट यहाँ पर जो होता है उसे वेसिकुला सेमिनाइलिस भी कहा जाता है। तीसरा हिस्सा टर्मिनल ग्लैंडुलर पार्ट होता है, अंतस्थ सिरा जो होता है ये आगे जाकर के जेनाइटल पैपिला के साथ खुलता है। यहाँ पर पाए जाने वाले ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं ये डाइजेस्टिव ग्लैंड के आसपास वाले हिस्से में ही उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर पाई जाने वाली तीनों ही संरचनाएं जो हैं इनमें सबसे पहले वाला भाग जो होता है उसे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। ये आगे जाकर के राइट साइड में वेंट्रल साइड के ऊपर एक बड़ी संरचना में परिवर्तित होता है जैसे वेसिकुला सेमिनाइलिस कहा जाता है। ये कर्व्ड, कुछ मुड़ा हुआ, अभी हम चित्र में देखेंगे, गुंडीनुमा आकृति की फ्लास्क शेप की संरचना होती है जो कि ब्लाइंड राउंडेड पोस्टीरियर प्रोलोंगेशन के साथ समाप्त होती है। ये मुख्य रूप से स्टोर हाउस का काम करती है स्पर्म्स के लिए। और उसके बाद पीछे वाला हिस्सा जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है वह हिस्सा जाकर के थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है और पीछे की तरफ जाकर के फाइनली मेल जेनाइटल अपर्चर के अंदर खुलता है। इन तीनों संरचनाओं के बाद मेल्स का जो कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है उसे पेनिस या वृषण के नाम से जाना जाता है। यह संरचना जो होती है वो एनस के पास में ब्रिंकियल चैम्बर में प्रेजेंट होता है। लॉन्ग स्ट्राउट स्लाइटली कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका बेस वाला पोर्शन जो होता है थोड़ा फूला हुआ होता है और फ्री एंड जो होता है वो टैपरिंग या नुकीला होता है। ये लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 1.5 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो सकता है। हाईली एक्सटेंटाइल स्ट्रक्चर है और 4 सेंटीमीटर तक की लंबाई इसकी कॉपुलेशन की प्रक्रिया के दौरान देखी जाती है। पेनिस के चारों तरफ पेनिस शीथ प्रेजेंट होती है और
इसके साथ साथ थिक एक येलो कलर का स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो कि मेंटल के साथ पड़ोस में इसको जोड़ने का काम करता है। इन सारी संरचनाओं के साथ एक विशेष प्रकार की ग्रंथि हाइपोब्रिंकियल ग्लैंड को भी मेल एनिमल्स के अंदर देखा जाता है। एट द बेस ऑफ द पेनिस शीथ ओवल ग्लैंडुलर थिक सरफेस होता है जो हाइपोब्रिंकियल ग्लैंड कहलाता है। इसमें टॉल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बेसल न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होते हैं। ये किसी भी डक्ट के साथ इसका अटैचमेंट नहीं होता है, इसलिए इसके किसी भी डायरेक्ट फंक्शन को अभी तक जाना नहीं गया है। संभवतः ये डायरेक्टली सरफेस के ऊपर सिक्रीशन करके उस पोर्शन को मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करती है। अब हम स्पर्म्स की बात करते हैं। पहले भी हमने बात की थी कि पाइला के पास एक ही टेस्टिस प्रेजेंट होता है, सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा बनने वाले शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जिनमें निषेचन की क्षमता होती है जो फर्टाइल कहलाते हैं, दूसरे वो होते हैं जिनमें निषेचन की क्षमता नहीं होती है। आकार और संरचना की दृष्टि से भी दोनों को अलग अलग विभेदित किया जा सकता है। पहले बात करते हैं यू पायरिन टाइप की। यू पायरिन टाइप के जो स्पर्म्स होते हैं थिन होते हैं और यहाँ पर हेड, मिडल पीस और टेल जो शुक्राणु की मूलभूत संरचना होती है वो ये प्रदर्शित करते हैं। लंबाई के हिसाब से 25 माइक्रोन्स तक लंबे होते हैं। इनमें स्विमिंग की कैपेसिटी होती है और टेल वाला पोर्शन जो होता है वहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सीलियम प्रेजेंट होता है, सिंगल सीलियम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इनमें फर्टिलाइजेशन की क्षमता पाई जाती है। दूसरे प्रकार के शुक्राणु ओलिगोपायरिन स्पर्म्स कहलाते हैं। ये सिकल शेप हंसी आकृति के होते हैं और दोनों में विभेदित संरचना का जो अंतर है वो ये है कि इनमें नीचे की तरफ 4 से 5 हेयर लाइक सीलियाज प्रेजेंट होते हैं। लंबाई की दृष्टि से ये बड़े होते हैं, 32 से 35 माइक्रोन तक इनकी लंबाई होती है। हेड रीजन यहाँ पर क्लियरली विजिबल नहीं होता है और इसी कारण से इनमें मूवमेंट की क्षमता भी नहीं होती है और फर्टिलाइजेशन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुख्य अंगों के बारे में। हम देख रहे हैं यहाँ पर मुड़ा हुआ सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट है। टेस्टिस से निकलने वाली छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स जो होती हैं मिलकर के एक वास डेफरेंस बनाती हैं। ये वास डेफरेंस के तीनों हिस्से यहाँ पर स्टार्टिंग वाला हिस्सा, प्रॉक्सिमल एंड वाला हिस्सा हम यहाँ देख पा रहे हैं। सेमिनल वेसिकल वाला हिस्सा जैसे कि हमने पढ़ा था फ्लास्क शेप का मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है, ये सेकेंड पार्ट ऑफ वास डेफरेंस। और तीसरा पोर्शन वास डेफरेंस का जो कि एक्सटर्नल ओपनिंग के थ्रू रेक्टम के पास ब्रिंकियल रीजन के अंदर खुलता है और इसके साथ साथ यहाँ पर नीचे की तरफ ये वाला ग्लैंडुलर पोर्शन होता है और इसी पोर्शन के पास हाइपोब्रिंकियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। नीचे देख पा रहे हैं दोनों तरीके के शुक्राणु या स्पर्म की संरचना। यूपायरिन फर्टाइल स्पर्म्स, हेड, नेक एंड टेल तीनों स्ट्रक्चर्स यहाँ पर क्लियर कट विजिबल हैं। सिंगल सीलिया यहाँ पर उपस्थित होता है। ओलिगोपायरिन शेप के हिसाब से सिकल शेप के मुड़ी हुई संरचना वाले, इसके साथ साथ ये जो शुक्राणु हैं इन शुक्राणुओं के अंदर नंबर ऑफ सीलियाज जो होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। हेड रीजन को हम यहाँ पर क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दूसरा चित्र यहाँ जो हम देख रहे हैं ये मादा जनन तंत्र का है जिसका विस्तृत विवरण अभी हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है। बॉडी में पोजीशन वही होती है। विसरल मास में सेकंड ऑफ थर्ड कॉइल ऑफ शेल जहाँ प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड के पास ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरी से निकलने वाली वाहिनी डक्ट ओविडक्ट होती है। आगे जाकर के ये स्ट्रक्चर जो होता है वो यूट्रस और वेजाइना नामक स्ट्रक्चर के अंदर खुलता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, ओविडक्ट, सेमिनल रिसेप्टिकल और यूट्रस प्रेजेंट होते हैं। ओवरी हिपेटोपैनक्रियास के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है। शाखित संरचना के रूप में होती है, लाइट ऑरेंज कलर की होती है और जब मैच्योर हो जाती है तो इसका कलर चेंज होकर के ये ब्लैक कलर की दिखाई देती है। सिंगल ओवरी है और सिंगल ही नैरो डक्ट यहाँ से निकलती है। ये जाकर के सेमिनल रिसेप्टिकल में खुलती है। ये सेमिनल रिसेप्टिकल जो है ये एक
बीन शेप का, मटर के दाने के आकार का एक फूलेली संरचना होती है, और इस संरचना के अंदर स्पर्म्स जो होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है वह कॉपुलेशन के दौरान परस्पर मेटिंग के प्रोसेस के दौरान आकर के एकत्रित होते हैं। यूट्रस जो है बिग येलो कलर का सैक लाइक स्ट्रक्चर जैसा हमने देखा, सेमिनल रिसेप्टिकल इसी में आकर के ओपन होता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर वेजाइना जो होता है यूट्रस के साथ जुड़ी हुई संरचना होती है। फीमेल जेनिटल पोर मादा जनन छिद्र के थ्रू एनस के पास या गुदा के पास खुलती है, यानी कि वही रीजन जो कि ब्रिंकियल चैम्बर में रेक्टम के पास प्रेजेंट होता है। कॉपुलेशन या संयुग्मन की प्रक्रिया जो होती है, पाइला का ब्रीडिंग सीजन जो होता है वो बारिश की ऋतु होती है। रेनी सीजन के दौरान मेल और फीमेल एनिमल्स जो होते हैं एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, मेल और फीमेल में आपस में मेटिंग होती है, और मेल जो होता है वो स्पर्म्स को पेनिस की सहायता से फीमेल के स्टोरेज ऑर्गन सेमिनल रिसेप्टिकल में छोड़ देता है। उसके पश्चात फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है, यहाँ पर एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, लेकिन फर्दर आगे का जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी से बाहर होता है, और सारे के सारे जितने भी फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पर होते हैं उनको फीमेल धीरे 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 अपने जेनिटल पोर के थ्रू बाहर मॉइस्ट प्लेस के ऊपर छोड़ देती है, वहाँ पर उनका फर्दर डेवलपमेंट होता है, और इस तरीके से 200 टू 400 एग्स जो होते हैं वो हैचिंग के प्रोसेस के थ्रू एडल्ट पाइला जैसे दिखाई देने लगते हैं, और इस प्रकार से पाइला में प्रजनन की प्रक्रिया जो होती है वो यहाँ पर पूरी होती है। डेवलपमेंट हमने पढ़ा प्रत्यक्ष प्रकार का है, कोई लार्वा अवस्था यहाँ पर नहीं पाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, पहली बात एक लिंगी जंतु नर और मादा अलग अलग, दूसरा साइज की दृष्टि से छोटे साइज के, तीसरी बात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरीके के स्पर्म्स होते हैं, चौथी बात इंटरनल फर्टिलाइजेशन लेकिन फर्दर डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है, पांचवी बात नो लार्वा स्टेज यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टॉर्शन या एंठन की प्रक्रिया के द्वारा पाइला की बॉडी जो होती है उसमें ट्विस्टिंग या कुंडलन होता है। धन्यवाद।